नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स फिर 50,000 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में देश में 2,63,533 नए संक्रमित मिले, 4,329 मरीजों की जान गई। बीते 24 घंटे में 18,69,223 सैंपल जांचे गए, अब तक 31,82,00,000 कोरोना टेस्ट हुए, आईसीएमआर ने दी जानकारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दावा, कोरोना की दूसरी लहर में 269 डॉक्टरों ने जान गंवाई। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी हटाई गई, एम्स और आईसीएमआर ने जारी की गाइडलाइंस। शहर में 1,000 के नीचे पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, मिलने लगी कोरोना से राहत, हालांकि लापरवाह होने लगे लोग। शहर में सोमवार को 971 नए कोरोना मरीज आए सामने, 30 की हुई मौत। अब 45 प्लस के लिए भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन, मंगलवार से अभियान की शुरुआत, मनपा आयुक्त ने लिया फैसला। अब थाली के प्रोटीन की कीमतें घटी, दालों के आयात पर रोक हटी, आम आदमी को मिलेगा फायदा। विदर्भ के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र को लगा बड़ा झटका, मेडिकल कॉलेज की 15-20 सीटें की कम। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।